एक व्यक्ति सोया हुआ है, तो सोए सोए उसको स्वप्न पड़ा। स्वप्न में वो क्या देखता है कि मैं हाथी के ऊपर बैठा हुआ हूं, सोने की अंबारी लगी हुई है, एक सेवक मेरे को चवर दे रहा है, मेरा जय जयकार हो रहा है, सब जगह मेरे नाम का जय घोष हो रहा है, ऐसा आनंद भोग रहा है। सपने आप लोगों को भी आते होंगे, तो ऐसा वो आनंद भोग रहा है, उसमें वो उसने आनंद भोगा। और किसी व्यक्ति को सपना क्या पड़ता है कि मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ है, उस शेर ने मुझे खा लिया, मैं मर गया। क्योंकि सपने भी बड़े अजीब अजीब आते हैं, बड़े अजीब अजीब आप लोगों को भी आते होंगे। तो ऐसे स्वप्न पड़ा, अब विचार करें, ना तो हाथी है, ना ही वो अंबारी है, ना ही चौरी है, ना ही उसका जय जयकार हो रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने जो सुख भोगा वो किसके माध्यम से और किसने सुख भोगा, क्या परमात्मा ने सुख भोगा वो? तो हम कैसे माने कि ये जीव स्वतंत्र नहीं है, सुख भी भोग रहा है, दिखाई भी दे रहा है। अब जिस जीव को शेर ने खा लिया उसने दुख भोगा, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तो शेर वास्तव में नहीं है, मृत्यु वास्तव में नहीं, लेकिन उस प्रपंच के माध्यम से जिसने दुख भोगा वो दुख किसने भोगा? जीव ने। तो हम कैसे बोले कि ये ब्रह्म का परिणामवाद है या ब्रह्म का विवर्तवाद है? यदि परिणामवाद हो, दूध से दही बन गया, दूध का अस्तित्व खत्म हो गया, अब आप दूध नहीं पी सकते, दही खा सकते हो, तो वैसे ही परमात्मा ब्रह्म यदि जीव स्वरूप में परिणित हो गया तो ब्रह्म का स्वरूप नष्ट हो गया, अब ब्रह्म नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता।